हे गाइस, तो कैसे हैं आप? तो चलिए आज चलते हैं हरतालिका तीज मेकअप लुक। और ये वीडियो बहुत लेट जा रहा है क्योंकि शूट ही लेट से कर रही हूँ, क्योंकि आप सबको पता है मेरे पिछले वीडियो देखकर कि मेरी मतलब तबीयत ख़राब थी। तो सबसे पहले मैंने टोनर ले लिया, उसके बाद मैंने अपना ये पॉन्ड्स का रोज गोल्ड ब्यूटी सीरम जो आया वो ले लिया है। बस दो बूंद तीन बूंद लगता है, 2 से 3 ड्रॉप। उसके बाद मैंने ये ले लिया अपना वो मॉइस्चराइजर, और सबको जेंटली अपने स्किन पे करना है अप्लाई। उसके बाद मैं अपना प्राइमर ले ली हूँ और उसको भी अपने स्किन पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं ले रही हूँ अपना फाउंडेशन जो कि है लक्मे 925 का, और फाउंडेशन मैं अपने स्किन पे अप्लाई कर लूँगी। और उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, और मैं कुछ बातें कर रही थी अपनी बिटिया से क्योंकि वो सामने बैठी थी मेरे। मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ वो सामने बैठी होती है, तो कुछ बातें कर रही थी मैं उससे, इसलिए दिख रहा है सूट में आ गया कि मैं बातें कर रही थी, तो इसलिए बता दे रही हूँ। आप लोग सोचेंगे कि किससे बातें कर रही थी वीडियो बनाते वक्त। तो मेरा फाउंडेशन अप्लाई हो गया है, अच्छे से ब्लेंड हो गया है। उसके बाद मैं क्या लगाऊंगी? हाँ, कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लूँगी अपने स्किन पर। नो, कॉम्पैक्ट नहीं, मैं ये कंसीलर लगा रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ, भूल गई थी, सॉरी गाइस। तो कंसीलर को भी उसी तरीके से जैसे हमने फाउंडेशन को डैप डैप करके किया था उसी तरीके से कर लेंगे अप्लाई, मतलब ब्लेंड कर लेंगे अपने स्किन पर। और ये भी जब अच्छे से ब्लेंड हो जाए, थोड़ा सा टाइम लगता है पर अच्छे से हो जाता है, ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए उसके बाद हम कॉम्पैक्ट पाउडर से अपने बेस मेकअप को सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लक्मे 925 का ही कॉम्पैक्ट लिया हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा लो बजट का है, बस 200 रुपीज़ के अंदर का ही है ये, ज़्यादा का नहीं है। हाँ, तो उससे मैं अपने बेस मेकअप को सेट कर रही हूँ। और मैंने ये जो लुक किया है तीन तीन तरीके से बताया है, बालों को बन बना के, बालों का मतलब वो चोटी करके, खुले बाल रख के, आपको जो अच्छा लगेगा वो कर लीजिएगा। लास्ट वीडियो के एंड में दिखेगा कि मैंने तीन तीन स्टाइल दिखाए हैं अपने हेयर को, मतलब हम किस तरीके से रख सकते हैं। आपको जो अच्छा लगेगा आप वैसे रख लीजिएगा, या फिर आप अपनी मर्जी से रख लीजिएगा हेयर स्टाइल। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा कॉन्टोर कर रही हूँ जो कि गर्मी के कारण बिल्कुल पिघल गया था मेरा कॉन्टोर स्टिक, तो थोड़ा सा हल्का सा ही लिया मैंने अपने उंगलियों पर, और उंगलियों की हेल्प से मैंने उसको वो किया और फिर ब्लेंड कर लिया उसी ब्यूटी ब्लेंडर से। और उसके बाद मैं अपना आईब्रो फिल कर रही हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले आईब्रो को सेट कर लिया मैंने स्पूली से, और उसके बाद मैं अपना आईब्रो सेट फील कर रही हूँ मतलब। तो ये आईब्रो पेंसिल है बेट एंड वाइल्ड का, जो कि मुझको 300 रुपये, 350 रुपये में मुझको पड़ा था ये। तो जब से ये आया था तब से वीडियो ही नहीं बना पाई थी, अच्छा दिन हो गया इसे आए, तो आज पहली बार इसको मैं वीडियो में यूज करें। तो मेरा आईब्रो फिल हो चुका है और देखिए कितना अच्छा लुक दे रहा है। उसके बाद मैं अपना क्या कहते हैं आई मेकअप शुरू कर रही हूँ, और आई मेकअप मैंने सिर्फ एक ही कलर से किया हुआ है क्योंकि गर्मी है और गर्मी में ज़्यादा मुझको अच्छा नहीं लग रहा था कि ज़्यादा मैं मतलब आई मेकअप ज़्यादा यूज करूँ। तो एक ही कलर का है, रेड में है, रेडिस पिंकिस दोनों मिला हुआ है, मिक्स है। तो साड़ी ब्लाउज का भी कलर वही था, थोड़ा थोड़ा रेड और पिंक मिक्स था, तो इसलिए मैंने आई कलर भी वही लिया है, आई शेडो पैलेट से वही कलर लिया है। और ये मेरा आई मेकअप हो गया। उसके बाद मैं आईलाइनर लगा रही हूँ। तो ये बिल्कुल ही हल्का फुल्का मेकअप है, तो आप कर सकते हैं इसको तीज में और बेहद खूबसूरत दिख सकती हैं आप। और यहाँ पर मेरा वो लग चुका है, आईलाइनर लगा लिया मैंने। उसके बाद मैं काजल लगा रही हूँ, और काजल लगाने के बाद आंखें इतनी खूबसूरत हो जाते, ओह माय गॉड। और उसके बाद दोनों आंखों में मैं काजल लगा लूँगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी, हाँ,
मस्करा, मस्करा मैं अप्लाई कर लूँगी अपने आईलैशेस पे। और मैं फेक आईलैशेस नहीं लगा पाई क्योंकि उसको चिपकाने वाला गोंद नहीं था मेरे पास। तो अगले वीडियो में शायद मैं मंगा लूँगी, तो अगले वीडियो में मैं फेक आईलैशेस लगा लूँगी। इस बार नहीं था तो इसलिए मैं मस्करा अच्छे से लगा रही हूँ कि आँखें थोड़ी बड़ी बड़ी दिखे। आप भी इसी तरह कीजिएगा क्योंकि आप भी फेक आईलैशेस तो लगाएंगे नहीं पूजा के टाइम पर, तो आप भी मस्करा अच्छे से अप्लाई कर लीजिएगा कि आँखें आपकी बड़ी बड़ी दिखे। उसके बाद मैंने अपना ले लिया है रेड लिपस्टिक और इसको भी अच्छे से अप्लाई कर लूंगी अपने लिप्स पर। तो ये मेरा लिपस्टिक हो गया। उसके बाद मैं रेड बिंदी ले रही हूं क्योंकि मेरा साड़ी ब्लाउज रेड एंड पिंक का कॉम्बिनेशन है, तो रेड बिंदी ले रही हूं यहां पर मैं। ओ माय गॉड, बिंदी के बाद तो और चेहरा अच्छा लगने लगता है। और उसके बाद मैं अपने कान वाली ले रही हूं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा गाइस। तो यहाँ पर मैं जूड़ा बनाकर बन बनाकर दिखा रही हूँ आपको, पर मैं अपनी मतलब बताऊँ तो बन मुझको उतना अच्छा नहीं लगा, पर वीडियो में बना ली थी तो आपको दिखा दी कि ऐसे बनाई थी मैं, पर मुझको ही नहीं अच्छा लगा, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था, जरा सा भी अच्छा नहीं लगा, पर बना लिया था तो आपको दिखा दी। उसके बाद मैं मुझको हंसी आ रही थी, मेरा वर्ल्ड कप मुझ में लटक रहा था, बार बार कूद रहा था मुझ पर, तो याद आया मुझको टीका लगा रही थी टीका, तो याद आया कि सबसे मेन चीज़ सिंदूर ही तो नहीं लगाई हूँ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद मैं पहले सिंदूर लगाई हूँ, उसके बाद फिर से मैंने अपना टीका लगा लिया और आ गई मैं अपना फाइनल लुक लेकर। और ये देख लीजिए चूड़ियाँ मेहंदी सारा कुछ, पर ये बन जूड़ा मुझको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं बाद में सोची कि थोड़ा सा चोटी करके दिखाती हूँ आप सबको। तो फिर मैं ऐसे चोटी की थी, आपको अगर चोटी वाला अच्छा लगा लुक तो आप चोटी कर सकते हो। और उसके बाद मैं फिर बालों को खोलना चाह रही थी, तो ये देखिए, तो आप ऐसे भी थोड़ा बालों को हल्का फुल्का करके भी रख सकते हैं छोटी करके, और उसे भी ना वैसे भी ना पसंद हो तो आप इस तरीके से बालों को खोल सकते हैं, आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।